कवि कहते हैं कि इस शिशु ऋतु में या ठंड के मौसम में अमीर लोग जो है वह सुख की चैन लेते हैं, क्योंकि इस ठंड के मौसम में वह रात दिन इसका आनंद उठाते हैं। तो यह आनंद किस तरह से उठाते हैं? तो क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर है, रात के समय ओढ़ने के लिए कंबल है, उसके साथ साथ खाने पीने की चीजें है। जिस तरह से इस ठंड के मौसम में वह हलवा पूड़ी खाते हैं, ताजे दूध माने खाते हैं, जिसके कारण अपने शरीर को वह गर्म रख सकते हैं, कंबल ओढ़कर बैठ सकते हैं, स्वेटर होते हैं। उसके साथ साथ दिन भर कभी भी अगर उन्हें लगता है कि ठंड लग रही है तो कॉफी के दो घूंट भी वह ले सकते हैं। तो इस तरह से इस सर्दी के मौसम का वह आनंद उठाते हैं। और इसके विपरीत यहां पर जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों को यहां पर दुख काटने पड़ते हैं इस ठंड के मौसम में, क्योंकि उनके पास एक तो रहने के लिए ठीक ढंग से घर नहीं होता है, टूटा फूटा घर होता है। उसके साथ साथ इस ठंड के मौसम में अपने ऊपर अपने शरीर को गर्मी तैयार करने के लिए रात के समय में उनके पास कंबल भी नहीं होता है ओढ़ने के लिए, और खाने की तो बात बहुत दूर की है, क्योंकि एक वक्त का खाना भी इन्हें नसीब नहीं होता है। मतलब एक वक्त में सूखी रोटी और सब्जी भी इन्हें मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी स्थिति में रात गुजारना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी ठंडी भरी रात में वह क्या करते हैं, कांपते हैं, और ऐसे कांपते हुए ही उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। और इस ठंड के मौसम में इस रात में उनके शरीर के ऊपर कंबल होने के बजाय यहाँ पर ओस की बूंदे या बर्फ गिरने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने यही अमीर और गरीब इन दोनों का अंतर यहाँ पर बताने की कोशिश की है।